हाई गर्ज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई एम बैक विथ द मंथली फेवरेट्स वीडियो आई एम सॉरी मार्च में मंथली फेवरेट्स नहीं आया था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग और समथिंग टू है आई जस्ट कैन नॉट रिकॉल समथिंग टू हैपन दैट आई कुक द मार्च वीडियो लाइव एंड जब तक उसको लाइव करने का मेरे को टाइम मिला तब तक वी व लाइक हाफ विथ थ्रू एप्रिल सो इट डेंट मेक एनी सेंस तो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट क्लब द टू मंथ एंड मेक अप्रिल एंड मार्च मार्च एंड अप्रिल फेवरेट टूगैदर सो टूडे Will be that video. आज आप लोगों के साथ चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मार्च एंड अप्रिल में मेरी फेवरेट रही है एंड आई हैलीसिंग ओवर लॉर्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं होने वाला है सो येस ग्रावी ऑफ स्नैक्स एंड लेटे विडियो तो हर बार किस तरह शुरू कर लेते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आई नो कि मेरे पास मेकअप के लिए ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं होती हैं बिकॉज वो मैं इधर उधर आप लोगों को वीडियोज में दे ही देती हूँ एंड एनी वेज मैं उतना ज्यादा मेकअप नहीं पहनती थी एंड वट एवर आई यूज टू डू वग्जैक्ट सेम रोज ही तो ऐसे कुछ नए प्रोडक्ट्स डिस्कवर नहीं हो पाते थे बट नाउ देट हैुक्स आप जाके मुझे वो जो पुरानी चीजें मेरे ड्रॉर में रखी हुई निकल रही हैं एंड आई एम फॉलोइंग इन लव विद अगेन सो आई है

ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल बट बहुत लॉन्ग है सो दे गिव यू दैट सटल ड्रामा ये तो लगता है दैट आपने लैसेज uh, लगा रखी है दे आर नॉट योर नेचुरल लैशेज बट दे डोंट लुक ओवर ड्रामेटिक ऑल्सो सो यही टाइप के लाशेज है जो मुझे पसंद है सो दिस इज वॉट दे लुक लाइक ये एक ऐसे स्केच पेन वाले आई के साथ आती है एंड इसी में ग्लू भी है एंड ये मैग्नेटिक है सो इट जस्ट स्टिक्स बस इसका एक ही कौन है वो ये है कि ये जो आई है ओ माई गॉड इसको हटाना इज सच टास्क मतलब इसको क्लेंजिंग बाम माइसेल वॉटर सोप हर चीज से निकाल लो यू हैव टू लाइक डिग इन लाइक रब प्रॉपरली तब जाके ये निकलता है सो इट्स जस्ट दैट बट आई वुड से कि हाँ बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर इसका स्टे उतना अच्छा नहीं होगा तो लाशेज ज्यादा देर टिकेंगी नहीं आंखों में बिकॉज एनी वेज वो स्टिक तो हो नहीं रही है ना आंखों से लाशेज मैगनेट से ही चिपक रही है सो so, You know that ways it is good, but these lashes are really, really good quality. So next, I have a foundation recommendation for you. I have shared in a vlog. Now I don't know if that vlog a done or is But this is the one that I am talking about. This is the Rimmel London ka lasting finish 25R. फाउंडेशन दिस इज अ फाउंडेशन दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है इट हैज लाइक अ मीडियम बिल्डेबल कवरेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इट इज अ ड्रग स्टोर फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है मैंने इसको जब मंगाया था मैंने इसको इसलिए मंगाया था बिकॉज उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे थे एंड आई वाज लुकिंग फॉर वाटर बेस्ड बेस्ड फाउंडेशन फाउंडेशन देन ऑयल तो अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो ना तो दिस वन विल वर्क सो ब्यूटिफुल फॉर यू इवन ड्राई स्किन वालों पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है बहुत ही एक अच्छी सी सी फिनिश दे देता है अगर आपने अभी तक ये वाला फाउंडेशन ट्राई नहीं किया आई वुड से डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड इट लुक्स सो स्किन लाइक येट इट गिव्स यू सच गुड कवरेज हेवी लुक्स हो या सटल ग्लैम लुक्स हो ये सब पे ही बहुत अच्छा लगता है मूविंग

ट्यूब का साइज वगैरह भी काइंड kind ऑफ of, उसकी याद दिलाता है सो आई वॉन्ट टू सी वॉट द हाइप वॉज अबाउट नाउ गलती ये हुई कि मैंने ये शेड थोड़ा सा दो शेड डार्क ले लिया एंड मेरे जो इस फाउंडेशन का शेड है वो दो शेड लाइट है ये दोनों आपस में दे आर सच गुड जोड़ी फॉर मी लाइक मैं इसको एक कलर करेक्टर की तरह यूज करती हूँ पहले नीचे इसको लगा लेती हूँ अंडर आइस पे या साइड साइड में वेर एवर आई नीड कंसीलिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई यूज दिस इन दोनों को मर्च करके एकदम परफेक्ट मेरी स्किन टोन का शेड बन जाता है एंड दिस टू वर्क ब्यूटिफुली टूगेदर और दिस इज अ फुल कवरेज कंसीलर इट लुक्स सो ब्यूटिफुल बहुत अच्छी फिनिश देता है बिल्कुल ऐसे क्रीस नहीं होता है सेट हो जाता है अच्छे से आई थिंक मैं इसको बहुत आराम से कंपेयर कर सकती हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर उसकी थोड़ी सी ज्यादा रनी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी है दिस वन इज अ थिक फुल कवरेज कंसीलर सो आई prefer this one more than the Swiss Beauty Concealer these days uh, uh, simply because of the consistency and if this shade then what the but because I already have a lot of concealers so I am not ordering it in another shade but if you get a right shade, this is such a beautiful concealer very concealer so you can definitely try this one out the last recommendation in the makeup category are these rouges this is from the brand हैना हैना ब्यूटी एंड द प्रोडक्ट नेम इज लश रूज इट इज बेसिकली ब्लश एंड मेरे पास इसके ना दो शेड्स हैं आई डोंट नो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में कभी पहले बात करी है कि नहीं बट दीज आर सच गुड क्रीम ब्लश एक शेड मेरे पास ये है दिस वन इज इन द शेड क्लारेट एंड देन ये मेरे पास सेकेंड शेड है ज अ डीप पर्पल कलर वाओ लुक एट दैट कलर बहुत ज्यादा इंटेंस पिगमेंट आपको लग रहा होगा हाथ में खासकर एक तो मैंने स्वाच भी काफी तगड़ा सा कर दिया है दिस वन इज इन द शेड देड एंड ये दोनों ही शेड इतने ज्यादा प्यारे हैं दे लुक सो ब्यूटिफुल ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्किन टोन इफ यू आर लाइक फेयर टू मीडियम टू डस्की ये वाला कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा एंड देन इफ यू आर लाइक डस्की टू डीपर स्किन टोन ये वाला कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा वैसे तो ये दोनों ही कलर आप वर्कआउट कर सकते हो फॉर ऑल स्किन टोन्स बट यू नो इफ यूर डार्कर स्किन टोन तो जो ये पर्पल टोन वाले कलर होते हैं ना ब्लश के वो आपके फेस पे वो बाबीडॉल पिंक वाला इफेक्ट देते हैं सो यू कैन डेफिनेटली चेक दीज वउट इनका पिगमेंट देखो यू जस्ट नीड द स्लाइटेस्ट अमाउंट लाइक एक ड्रॉप एंड एंटायर चीक के लिए हो जाता है दे लुक सो ब्यूटिफुल इवन ब्राइडल लुक्स में आई वुड से यू कैन गो फॉर दीज ब्लशेज दे आर जस्ट अमेजिंग एंड इनका स्टे भी बहुत ज्यादा अच्छा है ना आई डोंट नो वाई दीज ब्लशेज आर नॉट

बहुत ज्यादा यूज करती थी एंड देन आई हैड सो मेनी फेस वॉशिज टू ट्राई एंड टू फिनिश कि आई जस्ट कुडन गो बैक टू दिस वन बट बीच बीच में मैं बहुत बार वापस गई भी हूँ एंड देन दिस टाइम तो ऑफर चल रहा था सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन फोर ऑफ दीज बिकॉज दीज आर लाइक सो गुड मी एंड माई ब्रदर बोथ यूज देम एंड वी बोथ लव दीज फेस वॉशिज ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं लाइक इफ़ यू डोंट हैव एक्टिव एक्ट बिकॉज आई प्रेफर यूजिंग सैलिस

थिन्नेस्ट द लाइटेस्ट जेल टेक्स्चर वाले मॉइस्चराइजर्स एंड माई गो टू मॉइस्चराइजर्स फॉर दैट नीड फॉर दीज समर्स आर फ्रॉम डॉटिन की आई हैव यूज सो मेनी टब्स ऑफ दीज मॉइस्चराइजर्स इसका एक ऑरेंज वाला आता है वाइटमिन सी देन दिस ग्रीन वाला सी का देन दिस ब्लू वाला इज द प्रोबायोटिक वन देन इसका रेटिनोल वाला आता है वाटरमेलन वाला आता है दैट गिव्स यू सच अ मैट फिनिश ये सारे मॉइस्चराइजर मेरे फेवरेट एंड आई used and reused and emptied n number of tubs of these moisturizers especially the orange vitamin c wala hai, that is good for all skin types that is such an amazing moisturizers i would say the best out of the lot like hum wo bahut hai. Toh, when i say best it is because it works amazingly well for all skin types now the last in the category are sunscreens and i have a new brand

चाहती हूँ बट इट इज पिलिंग अंडर मेकअप सो आई डोंट नो इफ इट इज द सनस्क्रीन प्रॉब्लम और माई स्किन प्रॉब्लम बट दिस सनस्क्रीन इज अमेजिंग माई ब्रदर डज नॉट लाइक यूजिंग स हीज बिन एंजॉय दिस सो मच एंड इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ बस ये है कि इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस होता है बट आई गेस उनकी वेबसाइट पे आप जाके फ्रेगरेन्स फ्री वाला वेरियंट भी ले सकते हो आईविन दो ढाई महीनाज सनस्क्रीन एंड आई है डेडिकेटेड रिव्यू विडियो ऑल्सो कमिंग अप बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अभी शॉर्ट में यही रिव्यू ले लो सॉरी आई हैव अनादर थिंग इन द स्किन के कैटेगरी विच इज द स्पेरोक्लिन जेल नाउ इसके ऊपर ना मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ तो मैं लिंक कर दूंगी आप उसको चेक कर लेना इस जेल के बारे में सब कुछ मैंने वहां पे बताया है बट वाई एम टॉकिंग अबाउट इन डेज वीडियो अगेन इज कि अभी इतना सारा ट्रैवल करने के बाद ना और थोड़ा सा हार्मोनल इंबैलेंस भी हो रहा था तो मेरे ना वापस से आकने निकलने लगे थे बट यू कैन सी माय स्किन इज ऑल क्लियर अगेन ये थोड़ा सा मार्क्स रह गए बट देर आर नो एक्ने ऑल थैंक्स टू दिस मतलब जब भी मुझे ऐसे थोड़ा ज्यादा ब्रेकआउट हो जाता है मैं फटाक से तीन दिन इसको यूज कर लेती हूँ एंड तीन दिन में, में मेरी स्किन गोस बैक टू नॉर्मल एंड देन आई यूज माई नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट अब स्किन so, केयर हो चुका है मूविंग ऑन टू द हेयर केयर प्रोडक्ट आई हैव दिस रेंज जो मैं आपको अपने कर्ली हेयर रूटीन में शेयर कर चुकी थी दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रूथ एंड हेयर एंड ओ माय गॉड दीज आर सच गुड प्रोडक्ट्स लाइक अगर मैं ये शैम्पू अकेले यूज कर लूँ विदाउट कंडीशनर ऑल्सो माई हेयर डज नॉट फील स्ट्रॉ लाइक एंड इन दोनों को साथ में यूज करने के बाद तो मैं मुझे बिल्कुल सीरम या लीव इन कंडीशनर या कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा स्टेप करने की नीड ही फील नहीं होती है लाइक इफ आई वॉन्ट टू कीप माई हेयर करली तो ऑब्वियसली आई नीड जेल एंड ऑल बट अगर हम स्ट्रेटनिंग माई हेयर और मे बी नॉट डूइंग एनीथिंग टू माई हेयर बेसिकली अगर मैं एसेज होल्ड्रूँ तो दीज टू प्रोडक्ट्स गिव सच गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन टू माई हेयर इट इज जस्ट अनबिलीवेबल डेफिनेटली ट्राई रेंज आउट इनकी स्ट्रेट वेवी और कर्ली तीनों की ही रेंजेस है तो यू कैन चेक आउट अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप ओब्वियस आई गॉट देम इन कोलाबोरेड अ कोलाबोरेटिव विडियो विद डेम बट सिंस देन आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट

all you need is equal parts of curd and lemon and then apply it to your scalp leave it for you know half an hour one hour and then wash it off बहुत ही अच्छा काम करता है इफ़ यू हैव डैंड्रफ इफ यू हैव फ्लेकी स्कैल्प और इवन अगर आप जैसे कर्ली हेयर रूटीन फॉलो करते हो या बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइल्स करते हो एंड यू हैव लाइक अ प्रोडक्ट बिल्ड अप ऑन योर स्कैल्प तो उसको भी एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है योर स्कैल्प इज क्लीन आफ्टर यूजिंग दैट हेयर मास्क नाउ दैट वी आर डन विद ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेट्स मूव ऑन टू द फन पार्ट तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद द फेवरेट म्यूजिक दैट आई हैव बीन एंजॉइंग सो अगर मैं ऐसी बात करूं लाइक व्हेन आई एम ऑन माय ओन व्हाट म्यूजिक ज बीन मेनली जो पाकिस्तानी ड्रामा के गाने होते हैं ना दर्दू सॉन्ग आई हे बिन लविंग दम लाइक द कहानी सुनो दैट हैज बीन माई फेवरेट बहुत ही ज्यादा मैं उसको सुन रही हूँ एंड देन इज ऑल्सोज सॉन्ग बाय द नेम इज वे कमलिया दैट गाना तो मैं बिल्कुल ऐसे रिपीट पे ही सुन रही हूँ सो दैट हैज बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स लेटली देन तुमसे ही फ्रॉम जब वी मेट अगेन एंड एवर ग्रीन फेवरेट सॉन्ग देन एक गाना मैंने नया डिस्कवर किया है उस गाने का नाम है मैं या मैंने जस्ट जिसमें मैं So, the uh, song, this is what it looks like, and name is it is such a beautiful song. I don't know why I it but these are mainly the uh, kind of songs that I have been indulging into. Other than that, I have been obsessed with Taylor Swift's new album. It was a double album, and I have been loving it thoroughly. And now I am not at a place where I my favorite choose, I still need to, you know, hear them again and again and again to pick up. फेवरेट अभी तक तो आई एव बिन लविंग ऑल द सॉन्ग्स तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड अदर देन दैट आई हैव लाइक अ सेपरेट प्लेलिस्ट जो कि हम ट्रैवल के टाइम पे चलाते हैं एंड बहुत uh, दो महीने से तो वी हैव बिन ट्रैवलिंग सो मच बट वो प्लेलिस्ट मेरी नहीं है वो भाई की है तो आधे गानों का तो मुझे नाम भी नहीं पता बट दो सॉन्ग्स आई हैउट बुक्स तो मैंने भी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है बिकॉज आई हैव बिन बिजी एल्सवेयर बहुत इधर उधर के काम चल रहे हैं तो बुक्स आज कल मैं नहीं उतनी पढ़ पा रही हूँ बट मार्च में आई डेट रीड अलॉर ऑफ बुक्स एंड करेंटली जो मेरी टॉप फेवरेट बुक्स चल रही है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बिकॉज देर वॉज वर्ल्ड बुक डे उस पर मैंने वो वीडियो डाला था दाइव बुक्स दैट चेंज्ड माई लाइफ सो दो आर माई फेवरेट बुक्स इसीलिए मैंने उस वीडियो में शेयर किया एंड उसमें से दो बुक्स तो ऐसी हैं जो मैंने मार्च में ही पढ़ी थी सो इफ यू वॉन्ट टू नो वट बुक्स आई हैव बीन रीडिंग एंड लविंग लेटली वो वीडियो में लिंक कर दूंगी गो चेक दैट वन आउट सो दैट दिस वीडियो डजेंट गेट एनी लॉन्गर एक

so good it is my absolute favorite coffee and it has been since i don't know how long maybe two to three years easily now that coffee is out of the way let's talk about some food items Chasi is my favorite फेवरेट नाउ वट दैट इज इट इज राइस वाइट राइस कोकड इन बटर मिल्क दिस इज अ उत्तराखंड स्पेशल रेसिपी एंड देन वी ईट इट विद गार्लिक सॉल्ट वो भी घर पर ही बनता है सो दैट इज बीन माई फेवरेट बचपन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बट नाउ आई हैव बीन ऑब्सेज मतलब हर तीसरे दिन मैं मम्मी को बोल देती हूँ वो बनाने के लिए दैट इज हाउ मच आई बी लविंग दैट अभी मैं राजस्थान गई थी घूमने के लिए वहां पे आई हैड द ऑथेंटिक राजस्थानी खाना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देयर आई हैड दिस सब्जी कॉल्ड केर सांगरी और केर सांगवी आई रियली डोंट नो व्हाट इट वाज कॉल्ड बट इसी लाइन में कुछ था केर सांगरी या केर सांगवी इट वाज सो so यमी लाइक like, वो दिखने में नहीं उतनी टेम्पटिंग लग रही थी बट इट टेस्टेड सो गुड आई लव इट वो आप लोग मेरे जयपुर वाले ब्लॉग में देखोगे जो कि इस वीडियो के बाद आने वाला है एंड ऑल्सो वी हैड गट्टे की सब्जी जो कि घर पे मम्मी ने पहले बनाई हुई है बट इट डिड नॉट टेस्ट एनीथिंग लाइक वॉट माई मॉमी यूज टू मेक इट वॉज सो डिफरेंट एंड इट वॉज सो गुड

kept it aside एंड मैं ही उसको खा रही थी रात में लाइक लेट नाइट स्नैकिंग आई एम हैविंग मिल्की चू लेटली अभी कल रात को खत्म नहीं अभी सुबह में मैंने खत्म कर दिया लास्ट जो दो बचे थे वो भी मैंने खत्म कर दिया एंड आई एम नॉट गेटिंग इट अगेन बिकॉज मैं शुगर नहीं खाती हूँ इतना ज्यादा मुझे मीठा पसंद ही नहीं है बस कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो फिर मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है इसलिए मैं उनको अपनी नज़र के ही आगे से हटा देती हूँ बिकॉज आई डों वॉन्ट टू इंडाल्ज इन शुगर अलॉट बिकॉज इट इज जस्ट नॉट गुड फॉर हेल्थ बट दैट इज सो गुड अगर आपनेट किया तो डेफिनेटली वाला पार्ट नो आई नो इस कैटेगरी में मेरे पास यूजली कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम से आई हैव स्पेंड टाइम विद मी आई हैवन वॉच्ड एनी मूवी आई हैवच्ड एनी न्यू शो बट उसके बाद मार्च अप्रिल में तो आई जस्ट वेंट इतनी सारी नई मूवीज देखी है शोज तो मैं रोज फ्रेंड्स ही देखती हूँ बस बीच मैंने एक नया शो देखा था विच वॉज वन डे इट इज अस्टर पीस लाइक मालविका सितलानी ने अपनी आई डोंट नो वीडियो में बात करी थी उसके बारे में या स्टोरी पे बात करी थी एंड देन दैट की मिस ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दैट शो इन हर आई थिंक फेवरेट विडियो ओनली तो मैंने सोचा यार इतना क्या बात हो रही है लेट मी जस्ट वॉच इट

दैट गायज डूंग दिस इन लाइफ एंड द गर्ल इज डूंग दिस इन लाइफ कभी वो अच्छा कर रहा होता है कभी वो अच्छा कर रही होती है यही चलता रहता है बट दे मीट एंड ऑफ दट ईगो इशू और आई डोंट नो वट इशू दे जस्ट डू नॉट एक्सप्रेस एंड कन्फ्रेस दे फीलिंग्स टू ईच अदर एंड यही चलता रहता है पूरे उसमें एंड देन लास्ट में दे बोथ मीट एंड देन ऑयलर अलर्ट शी डाइज सो फॉर देट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम दैट द मैट टर्ड्स द एंड वो बहुत ही कम टाइम था बट देन दैट वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ बोथ ऑफ देयर लाइफ सो दैट इज बेसिकली द प्लॉट इज तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है definitely go and watch that show. it is amazing. and then i have four movie recommendations. i'm not going to talk about them much in detail because movies are about can watch them and i don't want to give any spoilers. i watched love divided. it is such a different concept. so basically they are neighbors and beach make wallet. they decide not to meet and then they develop a relationship. walke either side retire hi and uh, they end up meeting, of course. but that is the climax. I'm not giving you spoiler alerts. So, but that is the main concept of the movie, and the other three that I watched. There, all these are just very feel-good romantic movies. That is what I love to watch. So, I watched Irish Wish. Uh, that movie basically tells you that sometimes, if you wish for something, even if that wish is granted you still have to live your destiny, like you cannot escape destiny, no matter what route you take in life, you will end up at the right place, at the right time, basis what is destined, no matter what path you take, so that is, and it is a romantic movie,

कीप इट फॉर वन मूवी एंड वॉच वन ऑफ दिस महीने में ये सारी खत्म हो जाएंगी एंड नेक्स्ट महीने में आई कम अपना गुड रोमांटिक काइंड ऑफ मूवीज एंड एनी मूवी दैट आई वॉच एंड अर बींग माई फेवरेट सो या विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज दीज वर ऑल द थिंग्स दट आई हैविंग एंड ऑबसेसिंग ओवर फॉर मार्च एंड अप्रिल मंथ मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ वट वो योर फेवरेट्स इन दीज टू मंथ्स और एनी अदर थिंग दैट वॉन्ट मी टू ट्राई आउट एंड या अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आई ऑलवेज लाइक एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स सो कीप दम कमिंग इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो आई शैल सीन इन माई नेक्स्ट स्टेफ स्टे हेल्दी बाय बाय